तो हेलो एनिमे बॉयज। तो रिसेंटली मैंने पुश एंड बूट्स द लास्ट विश देखी और सच बताऊं तो बड़ी गजब मूवी थी, जिसमें हमें एक नया विलन देखने को मिलता है और वो विलन कोई और नहीं खुद डेथ होती है। और मुझे लगा आप लोगों को भी इस मूवी के बारे में जानना चाहिए, तो इसीलिए स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पुश इन बूट्स एक एनिमेटेड मूवी थी जिसकी एनिमेशन लेवल काफी हद तक ठीक ठाक ही था अपने टाइम के हिसाब से, बट 2023 में इसकी एनिमेशन से लेकर स्टोरी तक में जो उछाल आया है ना, वो एकदम कमाल है। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी देखी है तो उस मूवी में जैसी एनिमेशन थी उसी टाइप की एनिमेशन भी इस मूवी में दी गई है। और आपको तो पता ही है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एक ऑस्कर विनिंग एनिमेटेड मूवी है, तो आप समझ सकते हैं पुश इन बूट्स का लेवल कितना हद तक बढ़ गया है। और वहीं बात करें इसकी स्टोरी की, तो मूवी में दिखाया गया है पुस की 9 जिंदगियां है, क्योंकि हर एक कैट की 9 जिंदगियां होती हैं। और पुस क्योंकि मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसे ये लगता है उसके पास 9 जिंदगियां हैं तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, बट वो अपनी 8 जिंदगियां लापरवाही से जीता है और उन्हें खो देता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी आखिरी लाइफ उसके पास होती है, बट उसे इस बात का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उसे डर का एहसास नहीं होता। और भाई कसम से जब मूवी का विलेन यानी डेथ का पुस के साथ मुकाबला होता है, तब भाई पुस के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं डर के मारे, जो वो पहली बार अपना खून निकलते देखता है और उसे पहली बार डर का एहसास होता है। तो अब उसके पास एक आखिरी जिंदगी बची थी, तो उसे दुम दबा के भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक नॉर्मल सी कैट की तरह जिंदगी जीने लगता है। लेकिन काफी टाइम बाद जब उसे ये पता चलता है कि कोई ऐसा स्टार है जहाँ पे विश मांगी जा सकती है, तो उसे एक लास्ट होप दिखाई देती है कि वो अपनी बाकी 8ों की 8ों जिंदगियां वापस मांग सकता है। और फिर क्या, वो दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है और निकल पड़ता है अपनी विश को पूरा करने के लिए। वो अपनी विश मांग पाएगा या नहीं ये तो बात की बात है, मेन बात तो ये है क्या वो लाइफ का मतलब समझ पाएगा, जो 8 जिंदगियां उसने लापरवाही के साथ ऐसे वेस्ट कर दी, क्या उनका मतलब समझ पाएगा, क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो पाएगा। उसको हमेशा यही लगता है कि एक एडवेंचर वाली जिंदगी के लिए 9 लाइफ होना जरूरी है ताकि वो बिना डर के जी सके। लेकिन जैसे कि उसको डर का एहसास हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और भाई मूवी में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, ये डॉग भाई कसम से इतना मस्त डॉग है ना, ये इसकी बातें सुनकर तुम्हें बहुत हंसी आएगी। इसकी स्टोरी ये है, ये एक ठुकराया हुआ पेट है, ये भी एक बिल्ली का भेस बना के उस घर में रह रहा था जहाँ वो लेडी उन सभी बिल्लियों को पालती है, और ये एक कैट का भेस बना के उधर ही घुस जाता है और उनके साथ रहता है, और पुस उन सब में से सबसे अलग होता है तो ये उसे अपना दोस्त मानने लगता है। इस कैरेक्टर का भी इस मूवी में रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पुस का। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये कैरेक्टर नहीं होता ना तो मूवी में उतना मजा नहीं आता। और इस कैरेक्टर को तो आप देख ही सकते हो कितना जबरदस्त और कितना खतरनाक है। हर एनिमेटेड मूवी एक नए कैरेक्टर को, एक नए विलेन को इंट्रोड्यूस करती रहती है, जैसे कि कुंग फू पांडा 3 में काय, चाइना का सबसे महान सेनापति। तो मेरा कहना यह है, भले से ही लाइव एक्शन मूवीज में एक से एक विलेन और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट एनिमेटेड मूवीज भी इसमें कम नहीं है। और मूवी खत्म होते होते एंड में एक सीन दिखाया जाता है, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन तो कह नहीं सकते, बट हाँ वैसा ही कुछ था, जिसमें पता चल जाता है कि आगे आने वाली मूवी किससे कनेक्ट होने वाली है। अगर आप लोगों ने श्रेक मूवी देखी है तो आप उस सीन को देख के समझ जाओगे कि आगे की स्टोरी क्या होगी, पुस अब कहां जा रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था फार फार अवे। तो मेरे ख्याल से मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया है, आपको जरूर देखनी चाहिए, एक बार तो बनता है यार। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।